शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अभी अभी 26 जनवरी जो है निकल के गई, आप सब जानते हैं इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, अपना कानून लागू हुआ था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। अच्छा देख लो, देश में एक संविधान लागू होता है लेकिन पति पे सिर्फ बीवी का संविधान लागू होता है। अब मतलब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं आप सहमत होंगे, काफी मेरे दोस्त जो शादीशुदा हैं, अरे जो आदमी शादी से पहले बड़ा हेयर स्टाइल बना के जाता है ना अपने यंग डेज में, ये शादी के बाद वही अपनी बीवी की बची हुई डाई लगा रहा होता है आदमी। अरे आप देख लो, कभी शादी से पहले जितने भी यार दोस्त होते हैं एक दूसरे को फोन करते ना कि यार संडे को क्या कर रहा है, संडे को ना मनाली जा रहे ना यार, चलो चलते हैं, ये पूरा इंजॉय करते हैं। शादी के बाद आदमी को फोन करते हैं, संडे को क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं यार, वो छोटा नहीं सुमित वो स्कूटर की चाबी खा गया है, हाँ ऊपर से वो साला मेरा किसी को छेड़ाया था, उनके क्लेश पड़ा हुआ है, मैं कहाँ जाना, तुम लोग निकलो मनाली यार, मैंने क्या कहा। शादी से पहले आप देखो माँ के हाथ की बनी हुई भिंडी में भी कमी निकाल देता आदमी, शादी के बाद बीवी के हाथ के गंदे करेले भी खा लेता चुपचाप, यही सोच के खा लेते चलो खून तो साफ कर रहे हैं ना, और खून भी बीवी साफ करा रही है, उनको पीना जो होता है। ओ, बड़ा मजा आ रहा ना आपको, पति बड़ा खुश होते हैं बीवियों की बिराई हो तो। ऐसी बात नहीं है, औरतें बहुत मेहनत करती हैं, बच्चे पालती, घर संभालती, काम करती हैं, खबरदार जो ऐसे ऐसे तो। अच्छा आपने एक बात नोटिस की होगी, जितने हमारे यहाँ पे दोस्त हैं मैरिड, जब मियाँ और बीवी साथ में बैठ के टीवी देख रहे हो, रिमोट पक्का बीवी के हाथ में होता है ना, आप उनकी मर्जी का सास बहू वाला चैनल चेंज करके देखो, आपकी मदर सिस्टर याद दिला देंगे आपको। ये तो हमारा ही शो है कि जब आता है तो जो रिमोट है वो टेबल पे पड़ा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अच्छा मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, किन किन आदमियों के ऊपर बीवी का संविधान लागू होता है, मतलब यहाँ पे काफी दोस्त मेरे मैरिड हैं, कोई अपनी विचार। जी कपिल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वाइफ की नहीं चलनी चाहिए, जो भी रूल्स हस्बैंड के चलने चाहिए, हस्बैंड के चलने चाहिए। पर ऐसा क्यों लगता है, मुझे तो लगता है बराबर का होना चाहिए, आदमी का भी औरत का, मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये क्या मतलब? एक्चुअली हम शॉप पे जाते हैं, अच्छा कमाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, इनके खर्चे उठाते हैं, उसके बाद रूल्स भी इनके चलेंगे। ये गलत बात है, आप उनसे प्यार करते हैं बहुत, आपको क्या लगता है आप अगर शॉप पे जाते हैं काम करते हैं तो वो आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ को पता वर्किंग वीमेन से ज्यादा काम होते हैं, तो ये गलत बात है खर्चे उठाते हैं। लेकिन फर्क है ना थोड़ा, हमारा जो काम होता है 12 घंटे खड़े होना होता है, खड़े होने की दुकान है आप खड़े मतलब दुकान पे बैठ नहीं सकते हैं कि लेकिन जब भी टाइम मिले तब बैठ सकते हैं, मतलब सडनली ऐसे नहीं कि भाई मतलब लाइन लगी रहती है आपके बाहर, इनको तो कैसे चलो एटीएम में जॉब करते हैं आप जी, कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ पे? जी हमारा बिजनेस है जींस का, होलसेल का, तो कस्टमर वगैरह कभी कभी सीजन रहता है तो कस्टमर वगैरह आते रहते हैं। किस चीज का बिजनेस? सॉरी जींस के होलसेल का है। ओके गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का। ओके मैं ये बोलना चाहती हूँ, अभी तो 9 महीने हुए हैं शादी को, तो मेरी मदर इन लॉ ट्रेन कर रही है मुझे, अभी तो चलने दे रहे हैं इनकी। आपकी मम्मी ट्रेनिंग दे रही है, अब क्या करोगे अभी? क्योंकि उनकी वो तो आपको बचपन से जानती हैं। अभी दोनों बाजू धुलाई होने वाली है मेरी, अकेला पड़ जाऊंगा बस समझो अभी। चलो बहुत अच्छी बात है, आपकी शादी को 9 महीने हुए, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब अभी तो लाइफ एंजॉय करें आप, बाकी भगवान खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। कपिल जी कितने साल हो गए? मुझे बीवी का रूल मानते हुए 41 साल हो गए। 41 साल? हाँ जी सर। क्या बात है सर? ऐसा है जी सर, हमारे माँ बाप ने हमको हिंदू धर्म सिखाया। अच्छा जी, हिंदू धर्म में क्या होता है जी? आपको ज्ञान चाहिए बोलो सरस्वती मैया की जय। बिल्कुल। आपको लक्ष्मी चाहिए बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आपको शक्ति चाहिए बोलो काली मैया की जय। जय। तो मैं बोलता हूँ मेरे बच्चों की मैया की जय। क्या बात है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। एक्चुअली रूल्स एंड ऑल तो फाइन, कि घर पे तो बीवी का ऑफ कोर्स रूल्स चलेगी, मेरी शादी के अभी जस्ट 2 months हुआ है। okay. तो मैं अभी रूल्स सेट करने की प्रोसेस में हूँ। अच्छा आप इतनी मतलब प्लानिंग करती हैं कि अब मैंने 2 महीने में सेट करना है, अभी क्या सोच के रखा भाई साहब, के लिए क्या करने वाली हैं आप बताइए, आपकी क्या प्लानिंग है भाई साहब? The main twist is that हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही फ्लोर पे बैठते हैं। तो आप काम करते हैं कि एक दूसरे को देखते रहते हैं? लोग काम किस लिए करते हैं, ज्यादा दिखाते हैं कि भाई बहुत काम है ऑफिस में, बहुत देर रहना है, बट मेरे पास वो भी स्कोप नहीं है।
पे मेरे रूल्स होती है, लंच ब्रेक में किसके साथ जाना है, शाम की टी मेरे साथ होने चाहिए, अगर मैं नहीं जा पाई तो किसी और के साथ ही कैन गो, मुझे तो काम उनको जेल ही करवा दो आप इतना मस्त एक्चुअली भाई एक बात बताऊं आपको, कोई क्राइम रिम करके ना जेल में हो जाओ तभी आपको थोड़ा प्राइवेसी मिलेगी, नहीं तो ये तो एक्सेप्शनल केस है, ये पूरे हिंदुस्तान में मैंने पहली बार, पर बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के, बहुत प्यारे हैं आप, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ये वाला शो देखते रहिए। थैंक यू। आकाश रहा है वो आपके लायक जगह नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, मैं फ्रूट मार्केट से आ रहा हूँ। तू फ्रूट मार्केट क्या करने गया, तू चोर बाजार वाला आदमी, तू वहाँ पे क्या करने गया है? देखो कपिल शर्मा बातें छोड़ो, देखो मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज लेकर आया हूँ। क्या? ये आपने पढ़ा था ना बचपन में, A4 एप्पल, ऐसा होता है। चलो बहुत ऊपर वाले का शुक्र है इसको पता चला, हाँ। नहीं तो इसको पाइन एप्पल का भी नहीं पता। कल मेरे को बोल रहा था कि पाइन एप्पल सरनेम एप्पल है तो जरूर खून का रिश्ता होगा। जा यार। चलो खून का नहीं है, जूस का रिश्ता तो है ना इनमें। फिर भी आप मेरी छोड़ो, हम तो शुरू से सेबों में रहते रहे हैं, हमारा तो रात को डिनर भी ड्राई फ्रूट्स का होता रहा है। मैं बताता हूँ कौन से ड्राई फ्रूट, ये ठेले वाले से सड़े केले ले लेते हैं उनको फिर 15 दिन और सुखाते हैं, फिर उसको काट के तो सारी फैमिली ड्राई फ्रूट खा रहे वो नहीं होता ड्राई फ्रूट, बिल्कुल बादाम होते हैं, इनका पनीर खाने का दिल करे ना इनकी फैमिली का, तो अपने घर में वो सड़ी सी दाल बनी होती है वो देने आ जाते हैं, तो फिर कटोरी दे के दे देना, इनको पता है अंदर पनीर बना है कटोरी में आएगा। और उस दिन के बाद मुझे पता चल गया कि बिना दूध के भी पनीर बन जाता है। मैंने देखा पनीर कैसा है, सोयाबीन को ना रात भर मनवाते रहे, कबूल कर मैं पनीर, कबूल कर। और सुबह उठकर मटर पनीर बनाते हैं, मैं क्या मटर तो नजर नहीं आ रहे, कहना सपोज किए हुए हैं। ये फ्रूट मार्केट गया, जाके ठेले लेके खड़ा हो गया, चीकू कैसे दिए, उसने मुंह देखा, कहता कुछ नहीं ऐसे दिए, चल निकल। जा यार। ये भी मेरे साथ फ्रूट मार्केट गए, मैंने कहा संतरे ले लो, कहते यार मेरा गला खराब है, मैंने कहा लीची ले लो, कहते यार मुझे सूट नहीं करती, मैंने कहा अंगूर ले लो, कहते मुझे एलर्जी है, फ्रूट वाले ने अंगूर इसके हाथ में दे दिए, कहते यार देख तो लो अंगूर होते कैसे हैं, बिना वजह एलर्जी बढ़ा रहे हो। झूठ बोल रहा है, मैं इसके साथ कभी गया ही नहीं फ्रूट मार्केट, मेरी फिल्म चल रही है बाई वीकली शो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक मिनट यार फोन आया। हेलो, हाँ जी, अच्छा, कपिल शर्मा के साथ टाइम ना वेस्ट करूँ, आ रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, ओके आ गया, ओके बाय। और सुन मेरी बात, चंदू, हाँ जी, फोन सुनने के लिए ना सिम कार्ड डालना होता है, वो डलवा ले। आज मैं जिनको यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, आप सब इनको जानते हैं, इनकी आवाज को पहचानते हैं, सालों से बॉलीवुड में बड़े ही खूबसूरत गाने दे चुकी हैं, बड़ी बुलंद आवाज है इनकी, शेरनी की तरह गाती हैं, अभी आपको ये उसका सबूत भी देंगी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच रिचा शर्मा। क्या बात है, जफ्फी पा दो फिर, मजा आ गया। मैं रिचा जी को रिचा दीदी कह के बुलाता हूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी, हम लोग फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, धर्म पाजी थे, एक दो और एक्ट्रेसेस थी और मैं भी बैठा हुआ था, सडनली रिचा शर्मा आई, मैं इनको एक गाने मतलब बहुत सालों से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने कहा हेलो, बड़ा खुश हो गए, कहती तो ये चली गई जाके अपनी सीट पर बैठ गई। अच्छा, मुझे इतनी आग लगी, मैं कहा मैं इतना बड़ा फैन हूँ इनका, टीवी पे मैं भी आता हूँ, मैं भी पॉपुलर हूँ थोड़ा, जब मैं गया मैं इनके पास गया गुस्से में, मैंने कहा आपको पता मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, आप इतनी स्माइल दे के आ गई हैं, तो कहती इधर बैठ, तेरी भी मैं बड़ी बड़ी फैन हूँ, बैठ जाए तो जो तेरे साथ जो एक्ट्रेस बैठी ना वो नहीं मेरे को अच्छी लगती, लेकिन ये बात झूठ बोली कि मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये काम इनके, मैं तो बहुत इनसे ज्यादा मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। सो स्वीट, वेलकम दीदी, विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां रिचा जी के लिए। ओके, कितना वेट किया इस कुर्सी पे बैठने, तुमने भी सोचा था 4 साल से कि रिचा शर्मा तुम्हारे शो में आएगी? मैंने सोचा था
पर मेरे को ये नहीं सोचा आपको बुलाऊं कैसे। उसके बाद जब आपके साथ जान पहचान होगी फिर तो मुझे बता दो। और काफी बार ट्राई किया आपको? बहुत बार किया। आप कभी बाहर होती, अमेरिका होती, कभी कहीं? हाँ, अमेरिका तो तुम्हारे ही साथ होती है अक्सर। वो तो मैं तो एक बार गया, आप तो हर महीने चली जाती है। रिचेश जी, आपकी आवाज इतनी बुलंद है ना, एक्चुअली मैं जब भी आपको सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की मैं हीरोइन देखता हूँ 35-40 किलो की, मुझे लगता है आपकी आवाज वो सूट ही नहीं करेगी। ज्यादा सूट करेगी? नहीं नहीं, उसके नीचे दबके ना कहीं मर जाए, मैं ये सोचता हूँ। आप क्या, आपकी आवाज इतनी बुलंद कैसे? क्या बचपन में तानपुरा खा लिया था आपने क्या? मैं इनको शेरनी सिंगर बोलता हूँ, शेरनी है ये, दहाड़ती है स्टेज पे। आप सबको मैं बता दूं कि फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा गाना ऋचा जी ने गाया है, 15 मिनट का गाना है वो। तो डायरेक्टर कट बोलना भूल गया था क्या, मतलब? तो एक्चुअली मैं, मेरा भी दिल कर रहा था कि ये रुके ही ना, ये गाती रहे, हो सकता है उसके दिमाग में आया हो कि आप गाती जाओ हम बीच में फिल्म डाल देंगे। तो वो 15 मिनट के गाने के पीछे क्या था? जब हम लोगों को बाबुल के लिए लेट आदेश श्रीवास्तव जी, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, तो जब मैं उनके लिए गाने के लिए गई तो उनका एक तरीका था कि वो मुझे एक बार गाना समझा देते थे, उनका अपना पार्ट अदा करके वो बाहर चले जाते थे और बोलते थे कि ऋचा जस्ट फील द सॉन्ग, फील द सिचुएशन, बिकॉज इट वॉज अ बैकग्राउंड स्कोर। मैं अपना बैठ के सीन समझ चुकी थी और मैं अपना गा रही थी। ऐसे गाते गाते 15-20 मिनट हो गए, जब मैंने आँख खोली थी वहाँ आदेश जी बैठे हुए थे, मैं आँख खोला तो वो भी आँखें पानी भरे हुआ था और मेरी आँखों में पानी, तो एक माहौल, एक अलग एम्बियंस बन गई। तो इस तरह वो एक बात चली आई कि 15 मिनट, वैसे 2.5 मिनट का ही फिल्म में दिखाया गया, फिल्म के अंदर 2.5 मिनट। अरे तो बॉलीवुड फिल्म में 15 मिनट तो हिरन के दो बच्चे हो जाते हैं। ओ भारी है। मेरे को उठाया उन्होंने, मैं पीछे से कह रहा था बाबा जी सिद्धू भाजी को, कहते भारी है। इसलिए पॉलिटिक्स में भी बड़े भारी पड़ रहे हैं आज। पता नहीं कौन से पलड़े में बैठने वाले हैं। आज कहो कुछ सिद्धू, आप बहुत बोल लिया आपने हमारे सामने, आज बोलो आप। देखो, संतों के आगे तुच्छ मानवों की नहीं चलती, ठोको ताली। शरीर को स्वस्थ और आत्मा को दिव्यात्मा बना दिया, योग के सामर्थ्य से आपने साधकों को महात्मा बना दिया। प्रणाम है आपकी इस पवित्र योग यात्रा को, जिसकी शक्ति ने जीव आत्मा को परमात्मा बना दिया। वाह, सौ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए आप यहाँ पे विराजमान होके इसको धन्य बना दीजिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग का जो इतना क्रेज बढ़ा दिया है, इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं कि लोगों को एहसास हो गया है कि सेहत जो है वो सबसे जरूरी है, उसका जीता जागता प्रमाण एक मैं हूँ। मैंने बाबा जी बीच में वजन बहुत बढ़ा लिया था, पैसा आ गया ना। ये पहले लड़कियों के चक्कर में थे, आजकल योग के चक्कर में पड़ गए। नहीं सर, योग के चक्कर में तो लड़कियों के चक्कर में अब भी है। पर योग करो, फिट रहो, फिर लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, लड़कियां आपके चक्कर में पड़ जाती हैं। नहीं स्वामी जी, आपके सामने मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। पर एक्चुअली बाबा जी, आप जब आए एकदम से, मुझे याद है ये, मैं तो उस समय कर ही रहे थे स्ट्रगल वगैरह इधर उधर, सडनली आपको मैंने देखा और आप इतने प्रख्यात हो गए। उससे पहले बाबा जी मैं जानना चाहता हूँ, आप इतने साल आपने कहाँ पे ये सब सीखा और इतना ज्ञान हासिल किया आपने? मैं 9 साल की उम्र से योग करने लगा था और उस समय मेरे पास में कोई सीखने के लिए गुरु नहीं था जी। किताबें पढ़ करके, और वो भी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। एक स्वामी सत्यानंद जी एक साधु गांव में रहते थे, उनके पास में 15-20 बॉक्स थे उनके किताबों के जी। तो उन किताबों से देख देख करके वहीं से मैंने, आज जो मैं ये कठिन कठिन आसन करता हूँ जी, अभी तो बैठे बैठे एक सेकंड लगता है, मुझे कोई बॉडी वार्म अप नहीं करनी पड़ती। अच्छा। अभी मुझे मयूरासन करना पड़े तो अभी जी। लो खड़ा होके साथ मयूरासन कर देता हूँ। ये वाला शॉट मेरा काट देना, मुझसे हुआ। और क्या बात है बाबा जी, क्या बात है, बहुत मजा आता है जब भी आपको देखते हैं। और एक सेकंड में वृक्षासन कर देता हूँ, शीर्षासन कर देता हूँ।
जा तू पैर जा, संभाले ओ सबक सिखा, संभाले कश्मकश हटा, तू अपनी खूबियां दिखा, सलीका जीने का दिखा। बाबा जी आप जो वो पेट को घुमाते हैं गड़ी गड़ी गड़ी, वो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है, वो एक बार वो भी तो करके दिखा दीजिए जरा, ये एक घूमी एक गड़ी गड़ी। तू घुमा? हाँ जी तू घुमा भाई, घुमा अंदर से भी है, ये आगे से घुमाएगा तो इसका पीछे से घुमाएगा। पर एक बात है वैसे, कितनी मजेदार है बाबा जी, आपको लस्सी पीनी हो तो आपको तो टेंशन ही नहीं मिक्सर जूसर की, दही दही खाया और अंदर से लस्सी हाल है। इसको कहते हैं नॉली नॉली, वही ठीक है ना, नॉली एकदम नॉली नॉली नॉली। हमारे सिद्धू जी बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं जी, माने क्रिकेट के चक्के छोके माने क्रिकेट के चक्के छोके चौके छक्के कोनी कोनी बाबा ठीक है बेटा समझ आ रही है। क्रिकेट के चक्के चक्के छोके चक्के चौके, आज तो हास्य योग हो गया बाबा जी। क्रिकेट के चौके छक्के फिर से सेम लाइन, क्रिकेट के चौके छक्के बाबा जी। सच कह रहे ये तो मैंने सहज हास्य योग हो रहा है। ये आपका प्रताप है, आप जहां पे मौजूद हैं वहां पे सच बहुत अच्छा हो जाता है। ये सच है कि जो आदमी हंसता मुस्कुराता है जी, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। कपिल भाई जी, लोग आपको शो करने वाला, कॉमेडी करने वाला, ड्रामा करने वाला, जो लोग जानते हो जी, आपने इस देश के हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए बचा दिए, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता आपका। हंसने से वो हार्ट रोग से बच गए, कितनों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया आपका शो देख करके। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। माने हंसने से स्ट्रेस कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, और पति पत्नी बैठ करके दोनों शो देखें तो हो सकता है तलाक की नौबत ना आए। माने कितनों के घर आपने उजड़ने से बचा दी। छोड़ा पीना ताने अंदर से मशरूमी, कभी गालिब अच्छा, अच्छा। जैसा जी अच्छा, बाबा जी के लिए हमें तो कभी खिलाया नहीं बाबा जी, दीवाना बन के भी मैं ड्राई फ्रूट मैं ड्राई ड्राई नहीं खाता, मैं गीला गीला खाता हूँ। इसमें पानी डाल दे बाबा जी। और ये आपके चरणों में हमारी तरफ से, आपको जब भी खाने का दिल करे। सीरियसली मेरे को जानना है बाबा जी, गुस्ताखी माफ, मैं हंसी मजाक करता हूँ, आपकी उम्र क्या होगी वैसे? उम्र उनकी पूछी जाती है जिनका ब्याह करना। मैं समस्त भारतवासियों से मैं एक अपील करता हूं कि आज अगर मैं कुछ ना बोलूं तो मुझे माफ किया जाए, क्योंकि आज मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज हम बाबा जी को सुनने वाले हैं, उनके विचार सुनने वाले हैं। लेकिन जो है तुम लगभग मेरे से आधी उम्र के हो गए, इतना अंदाज लगा लो तुम। नहीं नहीं मैं छोटा हूं और। तो चलो अभी हो जाए। पता क्या है, पता क्या है, पता नहीं, देखो 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 जहाँ पे देखो देखो बाबा जी, रुको 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 बाबा, पता क्या है, मैं अभी हम लोग काफी सारे एपिसोड कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, पता क्या है, मुझे पता है कि मेरा क्या होने वाला है, ठीक है? तो वो बेइज्जती मैं मेरी वैसे ही स्वीकार करें, आप मेरी बेइज्जती वर्बली आप स्वीकार करें, मुझे पता है कि मैं हारने वाला हूँ। सो मैं बिल्कुल, मैंने अभी रणवीर सिंह का इनका वीडियो देखा, रणवीर बहुत फिट है, बड़ा बड़ा, पर इन्होंने पता नहीं क्या किया, उसके बाद से दीपिका भी उसको खास बात नहीं कर रही। नहीं आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो। नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं 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 चलो मैं कहता नहीं बाबा, चलो चलो अच्छा क्या करूं बताइए आप, मतलब चलो
पहले तो थोड़ा दंड बैठक लगाते हैं। भाभी मेरे ना स्लिप डिस्क हुआ था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सच्ची में 1.5 साल पहले हुआ। वो मैं ठीक कर दूंगा वापस। हुआ पड़ा थोड़ा सा ठीक, पर ज्यादा ना हो जाए। चलो जी, चलो ऐसे पैर फैलाओ, बैठो इधर, तेरी पूरे बैठो, ओ है इधर बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, अरे थोड़ा बजाओ तो। मैंने सुना है तू बड़े आजकल डिप्स लगाता है, डिप्स लगाता है। भाई मेरे को माफ कर दो, थोड़ा सा करो, मेरे को माफ कर दो, इधर इधर थोड़ा सा, मैं सीरियसली माफी मांग रहा हूँ, थोड़ा इधर आ। सिद्धू भाई को भी बुलाओ। और मैं ये पक्का सुनिश्चित करूंगा कि इनमें से कोई भी चीज कटेगी नहीं, कटेगी नहीं। चलो वो डिप्स लगाओ, थोड़े थोड़े लगाए। कोशिश कर रहा हूँ, स्टैमिना बढ़ेगा। देखो हर रोज कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करो। बिल्कुल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप आ जाओ, आपको छोटे हो ना उनसे। मैं क्यों करूंगा, अभी अभी तो शुरू। फिर सूर्य नमस्कार किया करो। मैं करता हूँ सूर्य, हाँ खिड़की खोल के मैं करता हूँ नमस्कार जी। पानी पिला दो कोई मेरे को, मैं फंस गया। मैंने ना गरीब द्वार में, नहीं नहीं बाबा जी, बाबा जी खेचो खेचो, बाबा जी, बाबा जी एक सेकंड, अरे मेरी मम्मी आई बाहर, बाबा जी मेरी पाजी मैं चल पकड़ो पकड़ो, आजा आजा, हम हार गए, आजा आप बड़ा हंस रहे हो ना, आओ जरा आप, अब इनको पकड़ी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ जरा आओ आओ, बहुत हंसी आ रही ना, बहुत अंगूठियां पहनी है शनि से बचने के लिए, ये इनको पकड़िए अब, ये इसको इसको तेरे को सह सम्मान लेकर के चलता हूं। बाबा जी घुमा दो, बाबा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये पानी क्यों मंगाया भाई? स्वामी जी अगर हम आपके जितना कर सकते तो हम कपिल शर्मा होते। इधर तो आओ, बाबा जी को दंड बैठका तो मार के दिखाओ पहले। मारो जी, चलो तुम कपाल भाती, आपने सारी कंट्रियों के लगाए हैं। कपाल भाती करो, करो कपाल भाती। बाबा जी इनको कपाल भाती दे दी मुझे, आपने उठा लिया टांगों से। ए, उल्टी कर रहा है, ऐसे नहीं, अंदर अंदर। तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर जो वो बना हुआ ना वही हिल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं हिल रहा। जाओ स्वामी जी के लिए खड़े होके तालियां बनती हैं, क्या बात है सर, प्रणाम आपको, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हमारे आप हमारे शो पे आए, हमारा शो अमर हो गया। प्रणाम जी, सूर्य नमस्कार होगी अब। हमारा नाम सूरज प्रकाश है और हमको बाबा जी से एक शिकायत है। क्या? बाबा जी उठ जाते हैं रोज सुबह 3:30। अच्छा, हमारे हिसाब से तो आरती होती है लेकिन इनके हिसाब से सुबह होती है। और उसके बाद करने लगते हैं सूरज नमस्कार। हमको आती है शर्म कि इतने बड़े योगी नमस्कार कर रहे हैं हमको, तो हमको भी तो उठना ही पड़ेगा।
आपके चक्कर में रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है हमको, आपको पता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गए हुए थे, 1,00,000 लोगों को सूर्य नमस्कार करा रहे थे। अकेले तक तो बात ठीक है, पर 1,00,000 लोग जब कर रहे हैं, उनका तो जवाब देते देते मेरी कमर दर्द हो गई, पता है आपको। लेकिन बाबा जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ। मैं बहुत हॉट हूँ। क्या हो? हॉट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सूर्य प्रकाश है ना इसलिए। अच्छा, हॉट है। हॉट 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 गर्म। हाँ हाँ गर्म, वही तो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंपल वगैरह निकल जाते हैं गर्मी में। तो इसका कोई इलाज बताइए, भी गर्मी कैसे निकालनी है? गर्मी निकालने के लिए पानी पियो। हाँ, नीचे से निकल जाएगी। चलिए, अब यहाँ लगता है बादल आ रहे हैं, हमारे जाने का वक्त हो रहा है। ये देखो, मैं गया, बादल आ गए, मैं गया। So how are you? I'm very well, thank you. Yulia. You? Yulia, आपका नाम basically Yulia. You yes. Pronounce Yulia. Yulia. And yeah. The spellings are I-U-L-I-A. So I. Thank God, मतलब? You know. I mean, why I? Thank God. Everyone is calling me Lulia, Lolia, but Lolia I like because it's coming from a kid that I love. So. अगर Indian किसी Indian में आपका नाम Yulia, Lolia भी बोल दियो तो समझो Holia, मतलब काफी है हमारे लिए। अरे हमारे इधर ऐसे नाम जो होते हैं हमारे इधर नहीं मिलते, हमारे मिलेगी रेनू, सुमन हो गई। ओके okay. हाँ, यूलिया तो हम मर ना जाते अभी तक। तो मतलब वही बात है कि आई जो है, आई क्यों मतलब लगता है कि यू आर सेइंग दैट आई यूलिया, आई यूलिया, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि यू आर यूलिया, हम तो नहीं यूलिया। You, I told you from the beginning when you asked me, what's my name? Yulia. Yulia. You, Leah. Man. Yulia. Yulia. Yes. आपने कुछ लिया? Juice लिया? Juice लिया? I mean, would you like to have something? वैसे मैं अपने किसी guest से नहीं पूछता, but आपके लिए special 20 रुपए का budget रखा हमने। उसके under कुछ आप मंगवा सकती हैं। Green tea, juice. Black coffee. सीताफल juice. सीताफल महंगा नहीं? नहीं सीताफल नहीं, बट सीताफल यार, सीताफल बड़ी देर बाद सुना मैंने शब्द। व्हाट यू कॉल सीताफल इन इंग्लिश? पाइनएप्पल? नो कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल, या इट्स माय फेवरेट फ्रूट हियर। सीताफल तो मैंने खाया, कस्टर्ड एप्पल का नहीं मेरे को आईडिया। यू डोंट लाइक इट? आई ऑल लाइक, आई लाइक वेरी मच, आई मीन आई लाइक यू, तो आई लाइक सीताफल आल्सो। सीरियसली सीताफल जूस आना चाहिए दादा, पता क्यों ना आया? बहुत बेइज्जती, फिर काय का हिट शो है, जूस ही नहीं आया तो। जूस सीताफल, सीरियसली इधर आइए। इट्स ओके, आई अप्रिशिएट द एफर्ट, इट्स फाइन। नो नो, आई विल द एफर्ट इज, आई विल कॉल जूस वाला हेयर। सीताफल जूस लेके आना, ठीक है? हाँ, इफ नॉट शुगर केन जूस। शुगर केन जूस, गन्ना होता ना, गन्ना, गन्ने का जूस भी चलेगा। If not, सर if कुछ not, नहीं लेंगे सर। अच्छा, पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल नहीं, एक चीज बताओ, कंफ्यूज कर रहे हो आप। एक काम करो, फ्रूट वाले को बोलो टोकरी लेके आ जाए, जिस जिसका जूस निकालना होगा निकाल देंगे। अब जाओ। थैंक यू, यू आर वेलकम। यू टेल मी, व्हाट शुड वी टॉक? I don't know. I mean, you asked me. Are you curious? In what you are something? Comfortable. I can talk on anything. I'm very comfortable here. Look talk at this audience. No, they are so nice. Yeah. Yes. They are nice. They have to be nice because entry is free, na? We are not charging anything. But I'm sure they love it here. You like it here? Yeah. I like it. See energy. You don't feel that you are sitting in for a TV show. It's like a rally. We are going to elect. बहुत अच्छा लगा। या बहुत अच्छा। अरे हिमेश भाई, आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? सरकार, मैं वो वर्ड सुनने के लिए उत्सुक हूँ। You know what's the meaning of उत्सुक? No. I'm very like anxious. I am to see you. उत्सुक means? हैं? Eager, eager. Eager. उत्सुक होता है। बोला eager? उत्सुक होता है keen. पूछा मैंने? Keen. 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 Hello. तो प्लीज वो जो कीन हो आप, वो लाइन बोली थी। मैं बहुत कीन हूँ कि ये वो पहला शब्द कपिल शर्मा शो पे, हाँ,
जो हिंदी का बोले, जो ऑडियंस पहली बार यूलिया से हाँ. हमेशा हिंदी गाना तो सुन चुकी है हाँ. और हिंदी में डायलॉग भी सुन ले. लेट द ऑडियंस से दैट वर्ड यूलिया. नो फर्स्ट टेक जूस प्लीज. आई एम मोर वरीड अबाउट योर हेल्थ. सारे एप्पल मंगा लिया. दिस जूस आई एम वरीड अबाउट माय हेल्थ टू. Honestly, एक काम करना, थोड़ा सा मेरे को दे देना. Please taste it for me first to be sure. चेक करूं? Please. स्ट्रॉ के साथ के खोल के ऐसे ही. मेरे को स्ट्रॉ में मजा नहीं आता, थोड़ा आता है, क्वांटिटी बहुत कम आती है. हमारा मुंह वाह पूरा. It's good. I can see it on your face. It's very good. मैं पी लेता हूँ. Yeah. Keep it for later then. आप अब आपको नहीं देना. I'm not so thirsty now. It's fine. No, it's very tasty actually. Yeah, yeah, yeah. You can have. Yeah, thank you. It's very safe. Thank you. You're always welcome. अच्छा हिमेश भाई एक बात बताइए, आपको यूलिया से गाना गवाने का ख्याल कैसे आया? I mean, देखिए आपने इनको गाते सुना था कहीं? यूलिया ने मुझे वो गाना फोन पर सुनाया था. सलमान भाई ने मुझे कहा रात को फोन करके कि ये ट्यून सुन. अच्छा. तो मैंने इनसे बात की और इन्होंने वो लाइन रोमानिया की लैंग्वेज में सुनकर मुझे लगा कि वेरी डिवाइन वॉइस, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड वॉइस जी, जो धमाका मचा सकता है. उस वक्त मैंने ये सोचा था कि एक गाना मैं उनको डेफिनेटली ऑफर करूंगा. और मैंने एवरी नाइट एंड डे आपसे मौसीकी एल्बम का गाना उनको भेजा, उनको पसंद आया जी. वो यहाँ पर आई, उन्होंने जब डब किया और फ्लैट 2 घंटे में डब किया विदाउट एनी पिच करेक्शन. इस गाने में इनके लिए कोई ऑटो ट्यूनिंग नहीं की गई है. वो आप अभी भी लाइव जब सुने तो आपको लगेगा. पर ऐसा खूबसूरत थॉट जो होता है यूलिया, yes. ये ऐसे खूबसूरत लोगों के दिलों में से ही आता है. You got what I said? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. He is saying you're beautiful. मैं समझा दूं? समझा दो आपको. आपको ज्यादा समझ आ रहा आज मेरे को पता है. देख के उसको दिल हसीन सपनों में खो गया है. अरे उसके सामने तो आईना भी मदहोश हो गया है. अब तक तो बस लोकल कॉल लगते थे यहां से, आज तो महफिल का माहौल इंटरनेशनल रोमिंग हो गया. He is the Mr. Sidhu. I know who is he. My name is. He is only, sir, aap translate kar. Okay, I will explain you. He is a multi-talented guy. Yes. And he knows everything. Yes. If you talk to him about Indian politics, American politics, Bollywood, Hollywood, he knows everything. About and Romanian politics, maybe? Yeah, everything. No. When Google don't have anything, Google type Sidhu. That's a good one. मैंने praise की आपकी. मैंने इतनी खूबसूरत तारीफ की English में. पाजी यार आप. मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई आपके बारे में. मैंने ये तो बताया नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे. मैंने I'm impressed. I don't need Google, I have seen. कल अगले बात हूँ. बातें बातें चलो जितनी भी समझ में आ रही मजा बढ़ा रहा है. एक्चुअली यूलिया आप में और मेरे में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं. आप रोमानिया से हैं? Yes. मैं रोमांटिक हूँ. I mean, अरे वाह! हमारा रोम रोम तो मिल ही रहा है. So, is there any chance of ants left? बाकी जो ants बच गया, रोम तो मिल गया. Okay, मुझे लगता है. कुछ और बात करते हैं. Listen to this. Yulia, you won my heart. मुझे बेबी पसंद है. So how you are so romantic? It's just you know who is the who is the romance king in Bollywood? Of course I know. Yes. And be careful, don't you mess know? Up with my friends. Shah Rukh is your friend? फिर तो मेरे से romance क्यों करेंगे? ये तो dealer को जानती हैं सीधा ही. हम तो थोक पर चून वाले हैं, door to door sale वाले. Okay, I will not ask you anything like this after this bejati. But I'm happy you are sitting next to me. I'm happy too. And he is also happy. We both. Actually, I'm very happy that he is next to me. Thank you.
आई माय सेल्फ डॉक्टर मिस्टर गुलाटी आज नहीं मैं करने दूंगा यार मैं जानबूझ के हर बार जाता हूँ कि तुम गिराते हो तो मेरा बेनिफिट हो जाता है तो आज तुमने डेढ़ शाने हेलो यू आर अ ट्रेंडसेटर लुक एट यू आई लव योर टोमेटोस बहुत अच्छा आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी एच एन वाई क्या मतलब पहला एच एन वाई हैप्पी न्यू ईयर दूसरा एच एन वाई हिमेश एंड यूलिया इतना नहीं पता अभी कोई आदमी विश कर रहा है नहीं पता तो 8 दिन हो गए नए साल चढ़े को अब आपके विश कर रहे हैं आप तो लगवा देते ना मेरा वीजा में रोमानिया जाके विश करके आ जाता यूलिया आई मस्ट से यू हैव अ पावर ऑफ 5 एक्चुअली फिगर आउट व्हाई आई एम अपसेट यस बिकॉज मैंने आपको लेटर लिखा था यू रोट डाउन अ लेटर आई हैड रिटन अ लेटर टू यू यू कैन सी द लेटर दिस आई हैड रिटन टू यू यू हैव नॉट रिप्लाइड टू मी ये आपने लिखा है हाँ जी तो उनके पास होना चाहिए ना आपके पास क्यों है तो फिर मैंने लिखा तो मेरे पास ही होगा ना तुम्हारे पास थोड़ी होगा पागल मैं पागल वाली क्या बात है इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है महेश जी इस आदमी को हाँ जी 2017 के स्टुपिड पर्सन ये आप ये कह लीजिए स्टुपिड नवा साल हो गया इट डजंट नो द सेंस ऑफ द टाइमिंग ऑफ अच्छा कोई नहीं इतनी इंग्लिश ना बोलो कल भी बोलनी है क्या हुआ मैंने ये लेटर लिखा हाँ मैंने इसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया ओके अच्छा मेरे को नहीं पता था भी रोमानिया कहीं बाहर है मेरे को लगा गुजरात में है भुज के पास तो वापस ले आए मैंने मेरे पास लेटर ओ डॉक्टर साहब आप बड़े क्यूट हैं मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से हाँ जी मैंने आज से आपके साथ लड़ना नहीं है मैंने सीधे मुक्के मारने आपको ओके दिस लेटर आई हैड रिटन टू यू वी सुंट माय मिटस निरसाव फाटानु पोआटे इंतजानिशा युबे आशका आ ओके या मेक्स सेंस व्हाट इज दिस आई हैव नो आईडिया मैंने ना आई हैव नोटिस्ड वन थिंग बट इंटरनेट पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते ना आप कड़क है सिद्धू साहब नहीं मैं सल्यूट नहीं मार रहा मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है सिद्धू साहब मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया है अच्छा नहीं मतलब उस तरीके से नहीं एक्चुअली क्या है देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है पुलिस कम पड़ रही है तो हमने अपना थाना खोला है 4-5 घंटे ड्यूटी करेंगे आराम से थोड़ा डिक्टेटर टाइप रहना है हमने पहले ये बता नाम तेरा शमशेर है कि नहीं नाम मेरा कप्पू है मैं शमशेर की एक्टिंग कर रहा हूँ ठीक है फिर सैलरी मैं डेली लूंगा ठीक है जनता से ले लेनी हमने पीछे एटीएम में हमारा कांस्टेबल खड़ा है जैसे किसी ने पैसे निकलवाए हमने सैलरी ले लेनी है आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज कैसे भारी हो गई शुक्र कर आवाज ही भारी हुई है मैं तो कहता हूँ सिद्धू साहब मेरा पांव भारी हो जाए 6-6 हजार मिल रहा है थाना हमने खोल लिया है शांतिवन का अपना पुलिस थाना है भर्ती शुरू करते हैं सावधान क्राइम पेट्रोल वो एपिसोड में कल आएगा कि एक आदमी गंदी गालियां सुन के मर गया शट अप देखो मेरे बात सुनो ये जो पुलिस का काम होता है ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है इसके अंदर जान भी जा सकती है ओहो जान तो जा रही जान बात तो सुनो हेलो जान जान इधर मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी FIR लिखी सुनती तो जाओ आपने नहीं तो कम से कम इस कॉस्ट्यूम को इज्जत दे दो मेरी बात सुनो 250 भाड़े पे लाए शाम को 500 नहीं कमाया ना तो लानत है ऐसे हुसन पर चलो फटाफट ट्रेनिंग शुरू करते हैं इधर लोमड़ी जैसे बाल रखने वाले भाई साहब इधर बड़े बड़े ये बाल कटवा के आओ आप अपने मेरे बाल दिख रहे हैं उसके बाल नहीं दिख रहे इतने लंबे लंबे इसके तो खेलने के लिए हैं अच्छा और मेरे बाल तुम्हारे भी खेलने वाले चूहे तो छोड़ो अंदर उसके अंदर बदतमीज और तुम इधर आओ तुम्हारा क्या कटवाए यार तुम एक काम करो तुम जाओ और अपना मुंह कटवा के आओ जाओ फटाफट ये जो गुल्लक जैसा मुंह है ना सारा
कमिश्नर से तमीज से बात करो। अच्छा कमिश्नर, चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। बोल बोल जल्दी बोल। यार हद है, मैं इधर मैं एज ए डिक्शनरी पढ़ती हुआ हूँ, जो हर चीज के स्पेलिंग पूछते रहते हो आप। ये अच्छा है, डिक्शनरी की स्पेलिंग ही सुना दो। ओ गैंडी, तो मैं इधर चाय वाला हूँ, मैं कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ जो सबको स्पेलिंग सुनाता फिरूं। देखो मेरी बात सुनो, डोनाल्ड डक जैसा तुम्हारा मुंह, और तुम बातें डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हो। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई। देखो देखो, जिस जिसकी जो जो काबिलियत है उसी हिसाब से रैंक होगा। चंदू जी, डॉक्टर बंपर, नानी तुम सारे अनफिट हो, तुम लोग कांस्टेबल, और खूबसूरती के हिसाब से मैं इंस्पेक्टर। अच्छा खूबसूरती के हिसाब से तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। नहीं बताना आपने कुछ। नहीं नहीं, आपने इसकी बात नहीं सुनी, आप अपना पूछो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी तो कमियां मेरे को पता है ना, बहुत ज्यादा है। फिर सबके सामने मजाक उड़ाएगा, लोग हंसेंगे। बस कर बुढ़ाओ बस कर, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा आइडिया ही होगा तेरे पास, अमिताभ बच्चन तो होंगे भी नहीं। मैंने ना तुझे सीनियर थप्पड़ मारना है, समझा बुढ़ाओ। मैं क्या कहती हूँ, पर्चियां डालते हैं, जिस पर्ची में जो निकलेगा हम वो बन जाएंगे। चलो ठीक है, फड़ो फड़ो। चंदू तेरी पर्ची मेरे पास आ गई, देख नेवला लिखा है। और तेरी मेरे पास आ गई, लिखा कुछ नहीं, भालू बनाया हुआ किसी ने। अच्छा नानी की पर्ची मेरे पास आ गई। अच्छा लिखा पुट्टी के बाल। तेरी पर्ची मेरे पास आ गई, क्या लिखा है? गंदी गंदी गालियां लिखी है। मेरा पर्ची किधर गया? तेरा पर्ची इधर आ गया। क्या लिखा है? कुछ नहीं, ऐसे लिखा है कप्पू, फिर लिखा है लॉटरी, और बीच में लिखा हुआ वेड्स। तुम दोनों आपस में शादी करा रहे हो, मेरे को बताया भी नहीं। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? बड़ी बेटी यहाँ पर कुंवारी बैठी है, और आप छोटी बेटी के कन्यादान की बातें कर रहे हैं। ये मेरी कुलीग है, तू मेरी किधर से बेटी होगी बे? मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ। गोद? तुझे गोद? तुझे तो गोदाम लगेगा। गोद कहाँ से ले सकता है तुझे कोई? साइलेंस साइलेंस, लॉटरी की बारी। अब मैं पर्ची निकालूं? मैं तो कहता हूँ मेरा दिल निकाल लो। चंदन कांस्टेबल, ओके। नानी लेडी कांस्टेबल, ओके। बंपर लेडी कांस्टेबल, ओके। लॉटरी सीनियर कांस्टेबल। मेरा क्या हुआ? मेरा रिजल्ट बता। कप्पू हेड कांस्टेबल और डॉक्टर इंस्पेक्टर। साहब मैं इंस्पेक्टर बन गया। कमाल है यार, बधाई हो। आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनको अरेस्ट कर लेता। मेरे को ना उन्होंने साइकिल ही नहीं लेके दिया, लारा लगाए रखा, मैं लेके दूंगा लेके दूंगा। मैंने डंडा दिखा देने था पिताजी को। एज इंस्पेक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। नानी जी जनाब, एंड यू बंपर, दोनों जाओ, थाना शुरू हुआ है, कोई कस्टमर ढूंढो, बोनी का टाइम है, जाओ केस सॉल्व करेंगे। जाओ। जी जनाब। ओके सर। हमें क्या करना है सर, बताइए। सुनिए हवलदार चंदो। जी जनाब। दो कप चाय लेकर आओ मलाई मार के। ये फिर चाय वाला काम दे दिया आपने। कपो जेल को देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा है प्रॉब्लम, सफाई करो इसके। इंस्पेक्टर साहब, यस, मैं चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को लॉटरी मेरे साथ लीड करे। व्हाई? गिव मी अ रीजन। बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है, घट्टा अंदर गया, मिट्टी अंदर गई, जान भी जा सकती है। और दूसरा, हमारे देश की लड़कियों को मौका मिलना चाहिए, और लड़कों को भी थोड़ा थोड़ा। वुमेन एंपावरमेंट, कैरी ऑन। लाइट म्यूजिक।
तुम देश की लड़कियों को मौका दे रहे हो कि खुद मौका ले रहे हो? चलो चलो बाहर बाहर चलो, इसके फिर से निकल जाओ, उधर तो जाने दो, चलो रुको। पूरी सफाई भी नहीं होने दी, बदतमीज। इंस्पेक्टर मैं हूँ, सफाई मैं करूंगा। जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, मन में झरने बहते हैं, हो कोई मन या मन न सजे। ओहो चाबी खो गई, पर तुम बंद हो, हम तुम नहीं है। What is this? मैं तेरे को तनख्वाह इस बात की देता हूँ, तू मेरे को बंद कर दे। ये देखिए हम किसे लाए हैं। ये कैसा थिन क्रस्ट आदमी ले आई तुम? बंपर एक काम करो, इसको अपने मुंह से थोड़ी सी हवा डोनेट करो। चलो नहीं नहीं हवा नहीं, इसको ब्लड देना पड़ेगा। अरे आपको पता नहीं है बहुत खतरनाक आदमी है, ये थाना उड़ाने की बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हो, तू थाना, तू किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, तू थाना उड़ाएगा? हैं? एक बात बताओ मुझे, खाना वगैरह कैसे खाते हैं, प्रोसेस वगैरह पता है तुम्हें? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हैं? हाँ। इसको परेशान कर रहे हो तुम, इस पर रिसर्च कर रहे हो, ये चल फिर कैसे रहा है? तुम लोग परेशान कर रहे हो उसको। माय लॉर्ड, अरे माई लड़के बच्चे, तुझे लॉयर नहीं, तुझे पुलिस वाला बनाया, पुलिस वाला। अच्छा मुझे जो मर्जी बनवा दो, मंगवानी तो आपने चाय होती है ना। इंस्पेक्टर मैं हूँ। आवाज नीचे। एक यार तुमने इंस्पेक्टर बनाया तो मेरे को थोड़ा सा रब तो जमा लेने दो यार। चलो ठीक है, चलो एज इंस्पेक्टर आई वांट कि तुम मेरे थोड़ा लूट लूट मारो, मेरे को थोड़ा सा। हां ए अनपढ़ हो, रुको स्टॉप इट स्टॉप इट, अनपढ़ हो क्या तुम, अकेले है क्या? सल्यूट ऐसे मारते हैं पता भी नहीं, सल्यूट इधर ऐसे अपने मुंह पे मारते हैं। अच्छा। उसके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको पता भी नहीं चला। मैंने साफ देखा है इनकी नहीं आपकी बेइज्जती हुई है। भाई चुप कर रहे, मैंने मेरी बेइज्जती हुई है कहते बताया है। देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप लोग और परेशान क्यों कर रहे हैं, मैंने किया क्या है? 25 ग्राम डेली की ऑक्सीजन वेस्ट करने वाले प्राणी, इधर तेरी शक्ल ही मुजरिम जैसी, कबूल कर कि तू मुजरिम है, कबूल कर, अरे कबूल कर मुजरिम है तू, कबूल कर, नहीं तो मैं ए इसका घुटना मरवा दूंगा तेरे। अरे कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, हां कबूल है, कबूल है, मुझे भी कबूल है। हैं तीन बार कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा, यानी कि हमारा निकाह हो गया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह मुझे अपना शौहर मिल जाएगा। कानून डांस नहीं करेगा। आप मेरी शौहर हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका शौहर? हाँ। अरे मेरी सेहत जैसी भी हो लेकिन इस बात पर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। हेलो, ईंट से ईंट बजाना, बम्पर को कुछ कहना, मैं सीमेंट वाले थप्पड़ मारूंगा तेरे। सर सर मेरे पिताजी गुम हो गए हैं, मैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। देखो एक काम करते हैं, जब तक हमारे ठाने की बोनी नहीं होती, हाँ। इस आदमी को रख लो इधर, इधर जेल में पड़ा रहेगा, थोड़ा भरा भरा लगेगा, लोगों को लगेगा सीरियस ठाना है। हाँ, ये अच्छा। चलो इधर। अरे एक मिनट, क्या अंदर रख रहे हो, मुजरिम है, पहले इसकी तलाशी तो लो। तलाशी लो चंदू, फटाफट तलाशी ले, तलाशी ले। 5,000 और 90 रुपए के आदमी, तुम्हारे पास 5,000 रुपए कहाँ से आ गए? इस 40 रुपए के आदमी से कहो मुझसे ठीक से बात करे। राजा एटीएम से निकलते 4,500, तेरी जेब से 5,000, तू देश के एटीएम से बड़ा है? मुझे पापी चाहिए। मैं दूंगा, मैं दूंगा। ऐसी बातें ना कर, मारना तुम्हें हमें। Excuse me, देखिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। क्यों आप अनपढ़ हैं, खुद नहीं लिख सकती? Excuse me, वाटरमेलन जैसी औरत, जितनी खराब आपकी शक्ल है ना उससे ज्यादा खराब मेरा दिमाग हो रहा है। देखिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, प्लीज।
लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी रिपोर्ट लेडीज पुलिस लिखती है, तो रजिस्टर पड़ा, चलो इधर आ जाओ फटाफट। चलिए लेडीज पुलिस को लिखना पड़ेगा। जी जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए क्या प्रॉब्लम है? डंडे मार मार के कर देंगे जो भी करना होगा। ये क्या है, ये तो आप नकली औरत बने हैं। तो तू असली है क्या? तू भी तो नकली है। एक मिनट, हाय माय सेल्फ इंस्पेक्टर एंड रिपोर्ट मैं लिखूंगा। देखिए 3 स्टार मेरे लगे हुए हैं यहाँ पे। और 5 स्टार इधर लगे हुए हैं। देखिए मेरे पास स्टार कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सोनी है। आजकल यही चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है मैंने बातों बातों में आप लोग बहस कर रहे थे, मैंने आपकी रिपोर्ट लिखी भी थी कि इसने दारू पी के आपको छेड़ा है। अरे मैंने नहीं छेड़ा है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की क्या कमी है उसमें, डालो इसको अंदर जेल में। हवलदार लोगों, तुम इनकी रिपोर्ट लिखो, मैं मैडम की रिपोर्ट लिखता हूँ। कैन आई हैव योर रिपोर्ट प्लीज? यस प्लीज, टेल मी व्हाट हैपेंड। सर मेरी बात सुनिए। हाँ जी। मेरे होते हुए इंस्पेक्टर साहब कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं? आपका काम मैं कर दूंगा, आइए मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। एक मिनट, इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर कौन है आप? हाँ तो मैं भूल गया था दवाई खाना ना, तो मेरे को याद नहीं आता जब तक मैं दवाई नहीं खा। मैं इंस्पेक्टर हूँ। हवलदार कौन है? चाय लेके आओ, रिपोर्ट मैं लिखूंगा, आइए रिपोर्ट मैं लिखता हूँ। अब्बू शर्मा आप कुछ कहते क्यों नहीं है? गिलास धो के लाना, मीठा लग से लाना। जा रहा हूँ फिर मैं। डॉक्टर गुलाटी, रिपोर्ट जो है वो कांस्टेबल लिखता है, इंस्पेक्टर नहीं। मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा मैं लूंगी। अरे अगर ठीक ठीक लगा तो दो एक मैं भी ले लूंगी। बेवकूफ औरत, इस्तीफा मतलब त्याग पत्र। ए त्याग पत्र के स्पेलिंग? त्याग पत्र के शब्द होते हैं, स्पेलिंग थोड़ी होते हैं इसके। चलो देखो मैं काम छोड़ रहा हूँ। हेलो सोच लो, ये यूपी नहीं है कि यहाँ से एक बार निकल गए तो पार्टी में दोबारा ऐसे एंट्री हो जाएगी तुम्हारे। ठीक है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर? तो उसके बाद मैं 1200 से कम में नहीं मानता। कैसे हो सिद्धू सर? तनाटन तनाटन चांद निहारता होगा उसको, चांदनी पुकारती होगी। अच्छा, परियां पास बैठकर जिसका रूप निखारती होंगी। मैं सोचता हूं कितना खुश नसीब होगा वो आईना जिसमें देखकर प्रियंका खुद को संवारती होगी। वाह, और मुझे तो ये लगता है कि ऐसा जब आप शेर सुनाते हैं भाभी पक्का आपको मारती होगी। चंदू एक बात बोलूं? लेकिन जी इनके आने से पहले, सॉरी चंदू जी जी, मैं गई क्या 6 महीने तुम्हारे शो का बजट बढ़ गया क्या? मैं कभी भी गाड़ी में नहीं आई हूँ इस शो में, हमेशा चलती वलती आई हूँ। गाड़ी है, शोफर है, प्लेन की शेप में गाड़ी है। आप शोफर नहीं? शोफर तो नहीं, लोफर लग रहा है मेरे को ये। तो पहना क्या हुआ है? मैं कैप्टन हूँ, मेरे को स्वागत तो करने दो। हाँ प्लीज, वेलकम टू द मुंबई एयरपोर्ट। मैं जहाज का कप्तान चंदूलाल आप सबका स्वागत करता हूँ। सो बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीमीटर। ये तुझे लुंगी से पता लग रहा तेरी? और नीचे तो 10 डिग्री है। और इकोनॉमी क्लास वालों के लिए उनको क्या है, बाहर जाए ऑटो करे घर को जाए, उनको क्या है। और आप सबसे अनुरोध है कि पहले क्विंटको वालों को बाहर जाने दें। पहले जब तक तूने नाम नहीं ना सही लिया आगे नहीं बढ़ने देना, पहले नाम सही ले। किनको आगे जाने दो? क्विंटको, क्विंटको ही, क्वांटिको। पहले क्वांटिको वालों को बाहर जाने दें, और जो इंटरव्यू वाले हैं वो थोड़ा पीछे हटकर खड़े हुए हैं। जहाँ सेलिब्रिटी देखने पीछे पीछे आपको हमारे शो में आकर कैसे लगा है? अच्छा ऊपर वाले का कहर देख लो, मेरी किस्मत देख लो। एक तरफ प्रियंका चोपड़ा, दूसरी तरफ टूटा हुआ थोपड़ा, कैसा कॉम्बिनेशन देखो इसका मुंह का। यार मुझे एक बात बताओ, आपकी आंखें या तरबूज के बीज? ये टूटा हुआ आपको कहां से लग रहा है? अब टूटेगा ना, तोड़ूंगा ना मैं, अब जो बदतमीजी कर रहा है तू। अच्छा मैं एक बात करना चाहता, मेरा दोस्त है प्रियंका के लिए जोरदार हग, और मेरे दोस्त चंदू के लिए चल भाग फट।
बदतमीज आदमी। देखिए जिस प्रकार से आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, गाड़ी चलाते चलाते ऐसे नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप एक पायलट के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। ओए चाय से मक्खियां तेरे से उड़ाई नहीं जाती, तू जहाज उड़ाएगा, तो पागल हो गया। पापा जी ये देखो इतना बड़ा शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मक्खी को उड़ाने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे उड़ जाती है। मक्खी को तो भाजी ऐसे कर मक्खी उड़ जाती, जहाज को ऐसे कर उड़ जाता है। पाजी यार। उसके लिए पाजी प्रॉपर आपको पता नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, ड्रन फिर उड़ता जहाज। देखा इसकी हरकतें ऐसी हैं, ये बुरा बहुत मान जाता है, मेरा दोस्त है चंदू। हाँ ऐसी बातें बताओ। हाँ ही इज माई फ्रेंड कम फैमिली नौकर ज्यादा। दो ग्लास कटिंग चाय लेके ग्लास धो के लाना चल। नहीं नहीं मुझे मुझे लाइक मुझे चाय नहीं पीनी। कोई बात नहीं, हम कॉफी भी चले जाएंगे, अगर आपके पास टाइम होगा तो हम कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं। आप तो बड़े फॉरवर्ड निकले, कैंडल नहीं सैंडल रेडी है मेरी आपके लिए। अच्छा मुझे प्रियंका से वार्तालाप करने दे जी, ये तो मैंने तेरे साथ ना वार्तालाप शुरू कर देनी है। तो फिर आराम से बात, फटाफट निकल यहाँ से। जहाज के कप्तान से मेरा अनुरोध है, अच्छा यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था। हाँ ऐसे बोलो ना, अभी जलपान की व्यवस्था करता हूँ मैं। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। सोफा बैठ के इसको और महंगा कर दे प्लीज। आप सब बाखूबी जानते हैं कि 2016 जो है वो प्रियंका के नाम रहा, पद्मश्री इनको मिला, ऑस्कर से लेके एमिस रेड कारपेट तक ये छाई रही, यूनिसेफ ने भी इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है, एलन डिगनिस के शो से लेके एलन डिगनिस के शो से लेके जिमी फैलन तक। हाँ जी एलन, जब तक तू ये सही नहीं बोलेगा शो आगे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब वाइंड अप कर दें एपिसोड यहीं पे। एलन डंगरिंस, आप बताइए याद दिलाइए। एलन डंगरिंस डी रेजुनेट, डी रेजुनेट, डी जेनरस, एलन डेंजरस, या सेम एलन, एलन डेंजरस, या करेक्ट एलन, एलन डेंजरस, नहीं या डी 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 जेनरस, एलन डेंजरस, एलन डेंजरस, एलन ये से लेके जिमी फैलन तक पूरी दुनिया चाहती है कि ये उनके शो में आए। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं प्रियंका आपकी, हमें आप पे बहुत प्राउड है। तो हम 2017 जो है वो आपसे पूछना चाहता है कि आपके अचीवमेंट की लिस्ट पूरी हो गई है 2016 में, तो 2017 की शुरुआत करें। मतलब बहुत प्राउड फील होता है और आपको बहुत बहुत मुबारक इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए। प्रियंका आजकल ज़्यादातर हॉलीवुड में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, हमारे लिए क्या लेके आई हैं वहाँ से, कुछ लाई कि नहीं? हमें तो ISD कॉल इतना महंगा पड़ता है, आप तो कर ही सकती थी वहाँ से। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सीरियसली? जी सीरियसली। क्या लाई हूँ मैं, जरा लाया। व्हाट? सीरियसली? सीरियसली। समथिंग सरप्राइज। आजकल मैंने सुना है कि कपिल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप्स ट्विटर मैनुअल, इसमें क्या है मतलब? वो भी रात को ट्वीट करना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आजकल चेंज हो गया, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ आजकल। मैं वहां बैठे बैठे सब जानती हूँ, स्पेशली इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मैं मुझे लगा था कि चलो प्रियंका गई है हॉलीवुड तो चलो धीरे धीरे करके अपने सब लोग भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे, मेरे को भी कभी कोई ऑफर दिला दो कि साइड में पड़ा रहूंगा, कहीं क्रेडिट्स में बाद में भी आ जाऊंगा। अच्छा तो मैं एक्टिंग करनी है वहां पे। या आई मीन वहां पे ऑब्वियसली इंग्लिश में एक्टिंग होती है। मैं यू कांट इवन थिंक हाउ मच एक्सपेंसिव इंग्लिश स्पीकर आई एम। पर एक्चुअली मैं नहीं नहीं प्लीज एक्सप्लेन, आई वांट टू अंडरस्टैंड, मेरे को जानना है। आई मीन आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम 9 AM टू 7:30 PM। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद माय स्लीप टाइम, आई गो टू स्लीप शार्प 8, आई वेक अप बाय 4 बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग माई ओन मूवी। Okay. I can't afford delay. Cannot. प्रियंका की मम्मी जी भी यहाँ पे हैं, मधु चोपड़ा जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
ये सारी जो खूबसूरती है यहीं से आई है। और तो मैम आपके साथ कौन बैठी हुई है? प्रियंका वैशी। ये खूबसूरत हसीन ना, इनका नाम है दीपशिखा भगनानी। दीपशिखा भगनानी ये हमारी को प्रोड्यूसर है, हमारे साथ प्रोड्यूस की बेटी। ओहो, पहले बता देना चाहिए था। हाउ आर यू वाशु सर, कैसे? वेरी गुड, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये भी को प्रोड्यूस कर रही हैं साथ में? जी हाँ, हम एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं सरवन, जो लोहड़ी पे रिलीज होने वाली है। ये करण हैं जो डायरेक्टर हैं हमारी फिल्म के, कैसे ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। वेलकम। मेरी मदर और हनी एंड मी ऑफ कोर्स। तो मम्मी को प्रोड्यूसर क्यों बनाया? मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि मम्मियां थोड़ा खर्चा बचा लेती हैं ऐसे? ओ, तुमको पता नहीं है कि मैं कितने पैसे खर्च कर देती। मम्मी को बना दो तो कोई पैसे लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं मेरे से पैसे। बेस्ट प्रोड्यूसर मूव। प्रियंका जी, आपको चेक साइन करना, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, आप मम्मी से पूछ लो। मुद्दे की बात पे आते हैं। एलन, एलन वही जो पहले बोला था। तो क्या बोला था? डेंजरस, डेंजरस एंड जिमी फालोन। अच्छा कर दिया। उन सब के शो पे आप जब जाके आईं, उसके बाद आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? ग्रेट। पाजी, जो भी बंदा मुंबई आता है, लड़का लड़की हीरो हीरोइन बनने, सबका सपना होता है कि उनका पोस्टर जो है, उनके पोस्टर्स हैं उनके शो के या उनकी फिल्म के, जुहू बीच पे लगे हों वहां पे और सब देखे। प्रियंका, आपके पोस्टर्स तो न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में लगे हुए हैं। वाओ। तो आपको प्राउड तो फील होता ही होगा, जाहिर सी बात है, पर उस समय आपको कंफर्म तो हो ही गया होगा कि अब तो कपिल शर्मा शो में जाएंगी। लेकिन मतलब मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तुम्हारी शो पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इतना अच्छा शो है। इस शो में कब आई हो? अभी पहली बार है। छह बार तो आ चुकी हूँ मैं। इस योर फर्स्ट टाइम प्रियंका? नो, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है? हम लोग कितनी बार काउच पर बैठ के सिद्धू जी के सामने, बस चैनल अलग था, चैनल अलग था ना। बड़ा बनवा जाओ। नया शो है या नए चैनल पे? तो फन दिखा के खूबसूरत। अच्छा, इसलिए मैं सोचूं कि बदबू क्यों नहीं आ रही। और बजट बढ़ गया ना, इसलिए बजट भी बढ़ा सर। आई एम सो सॉरी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बड़ा अच्छा शो है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट सिद्धू जी आप अपनी पोजीशन तो बदल लेते, कंफ्यूज कर दिया ना गेस्ट को। एक कसूर मेरा ही है। आप ही का तो है, सिर्फ लड़कियां आपके जो पीछे बैठी हैं वो अलग हैं। लड़कियां मेरे पीछे इसलिए बैठती हैं क्योंकि कपिल का व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, तो नजर उधर। तो मेरे सामने प्रियंका चोपड़ा बैठी होगी तो मैं उधर की देखूंगा, पहले तो ये बताओ। अब बताओ, मेरा कोई फायदा है? बेटा, तेरी निगाह हर दिशा में घूमती है, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, पहले क्या होता था कि जैसे गेस्ट आए तो सिद्धू जी भी साथ में आते थे। हाँ। उसके बाद हमने जब लड़कियाँ बैठानी शुरू कर दी ना, तो सिद्धू पाजी 35 मिनट पहले आ जाते हैं। और फिर पूछते रहते हैं लड़कियों से, और भाई मोहतरमा खाना वाना खा। पाजी, आपको पता है प्रियंका क्वांटिको सीरीज तो कर ही रही है, अभी बेवॉच जो इतना पॉपुलर जो सीरियल था उसके ऊपर फिल्म बन रही है, वो भी प्रियंका कर रही है, आपको उसके लिए भी बधाई, बहुत बहुत। पीपल्स अवार्ड जो होता है उसमें ये नॉमिनेटेड थी, और पिछली बार ये डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पे, और जीती भी, और इस बार फिर ये मेन लीड में वहां पे नॉमिनेट हैं, और हमें पक्का विश्वास है आप इस बार भी जीतेंगी। तो क्या आपने वो जो विनिंग स्पीच होती है वो तैयार की है आपने? नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा डेंजरस है, आई मीन बाकी जो बड़ी दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे हेल्प कर दो इस मामले में। तुमने तो बहुत स्पीचेस दिए होंगी ना, अवार्ड जितने जीते हैं। नहीं, लोग हंस क्यों रहे हैं? लेट्स चेंज द टॉपिक। हम तो आपको सुनते रहते हैं कि प्रियंका कुछ नया करेगी, कुछ नया बोलेगी। हम तो वही है, हमारा चैनल बदला, बंदे वही, देख लो हमारे तो सूट भी वही है, हमारे तो कपड़े भी, हमने सर्दी के हिसाब से स्वेटर पहन लिया। बाद में याद आया कि शो नॉर्थ में जो देखते हैं उनको लगती है सर्दी, मुंबई में तो गर्मी है। मैंने वही तो, आई एम स्वेटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो फिर आई थिंक प्रेपरेशन स्पीच की मैं अकेले ही कर लूंगी फिर कभी ना कभी। मैं तो अपनी फिल्म के लिए जो मुझे अवार्ड मिला है ना, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। पर इस बार आप एक काम करना प्रियंका, सीरियसली जब आप जीतेंगी ना तो आप मेरा ऐसे नाम बोल देना ऐसे बीच में।
So, ladies and gentlemen, I would like to thank everyone. Kapil, who's accepted me into a new country. Kapil, thank you so much for the Hindi movie industry who has given me Kapil so much. Viewers of Quantico Kapil. बस हो गया मेरा तो हो गया इतने मैं तो पर ठीक की तरह कपिल. अच्छा प्रियंका आपने कभी नोटिस किया अच्छा इंसान को छींक आती है ना तो उसके दो सेकंड पांच सेकंड बाद नॉर्मल नहीं होता छींक मारता ना उसके बाद ऐसे करता रहता है कभी ना किसी डॉग होते ना जो पेट उनको छींकते देखना कभी लैब है ना मेरे पास वो बड़ा प्यारा है वो छींकता तो सडनली कुछ ऐसे अचानक हरकत हो जाए ना जैसे छींक रहा है तो इतना टाइम लेते वो चलते भागते भागते वो उबासी भी लेते पता आपको मैं ऐसे दिल कर आप इतनी प्यारी लगती हो तो थोड़ा घर वाला संबंध है तो ऐसे शेयर कर रहा हूँ कभी आदमी उबासी लेता ना पूरी उबासी लेके उसका मुंह बंद होकर फिर दो तीन सेकंड लगते हैं कुत्ता उबासी ले रहा ना कभी और बीच में उसे कुछ दिख जाए मुझे बड़ा क्यूट लगते कुत्ते